Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is how to construct CFG for the given language. Previous lecture में मैंने आप लोग को एज ए इंट्रोडक्शन दो क्वेश्चन कराया हुआ था CFG के, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे हमको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होगा. तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव द गिवन लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर टू एन वेयर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन. ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है. अब इसको अपने को सी एफ जी में कन्वर्ट करना है, सी एफ जी इसका कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया है पिछले लेक्चर में कि अपने को सबसे पहले तो लैंग्वेज ही चेक करना है इसका, कौन कौन से या किस टाइप की स्ट्रिंग आ रहे हैं. तो इसमें देखिए L इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है. ठीक है, गिवन लैंग्वेज में तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से. तो आपका ये बन जाएगा a b की पावर 2 में b b. ठीक है, हमने n की वैल्यू यहाँ पे 1 कंसिडर की है. अब हम 2 कंसिडर करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को, a a एंड b की पावर 4 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम b आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली आपका 3 टाइम हम a लेते हैं यहाँ पे, तो 6 टाइम यहाँ पे b हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लैंग्वेज बनता चला जाएगा. ठीक है, इस टाइप के स्ट्रिंग आएंगे. अब अपने को समझ में आ गया कि किस तरीके के स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में आ रहे हैं. अब उसी के हिसाब से अपने को हमारा ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया है आप लोग को कि सबसे मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर अपने को कंसंट्रेट करना है. ठीक है, तभी हम ग्रामर जो है अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है ए बी बी. ठीक है, ए सिंगल टाइम आ रहा है, बी टू टाइम आ रहा है. मीन्स अपने को यहाँ पे देखना है कि इसका एक्सपांसन कैसे हो रहा है. ठीक, नेक्स्ट स्ट्रिंग में जैसे कि ए बी बी यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए आगे टू टाइम अगर ए आ रहा है तो फिर उसके बाद यहाँ पे फोर टाइम बी आ रहा है. ठीक है, तो ये देखिए इस ए के लिए टू टाइम बी तो ये हुआ और यहाँ पे अगेन ये ए बी बी अपने को दिख रहा है. ठीक है, सिमिलरली ये इस सिंगल ए के लिए टू टाइम बी ये हो गया, इसके लिए ये टू टाइम बी हो गया और ये ए बी बी हो गया. ठीक है, मेरे हिसाब से आप लॉजिक समझ चुके होंगे कि अपने को किस तरीके से ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करना है. तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस टेंस टू ए एस बी बी. ठीक है, कुछ जो लॉजिक हमने यहाँ पे देखा था वही लॉजिक मैंने यूज़ करके ये लिखा हुआ है. ठीक है, एक्सपांड कहाँ से हो रहा है, ये आपका आउटर साइड से हम ये एक्सपांड कर रहे हैं, इनर साइड से आउटर साइड की ओर एक्सपांड कर रहे हैं. ठीक है, तो एस के प्लेस में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये बताया आप लोग को. ठीक है, एस के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ ए बी बी. ठीक है, तो ये हो गया. अब चलिए देखते हैं इसमें हम जो गिवन लैंग्वेज की स्ट्रिंग है वो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं. तो मैं तो ये वाली स्ट्रिंग को अभी लेता हूँ जिससे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो सी एफ जी हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है वो सही क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अपने को चाहिए 3 टाइम ए एंड 6 टाइम बी. तो मैं एस टेंस टू ए एस बी बी ये ले लेता हूँ. अब इसमें एस के प्लेस में मैं पुट करूंगा अगेन एस टेंस टू ए एस बी बी, ए एज इट इज रहेगा. फिर उसके बाद एस के प्लेस पे मैं पुट करूंगा ए एस बी बी अगेन और ये बी बी एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब देखिए टू टाइम ए आ गया है अपने पास, अपने को ए फिर से चाहिए, अगेन चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एस टेंस टू ए बी बी पुट कर देते हैं, ए ए
एस टेंस टू ए बी बी, और ये फोर टाइम बी हमारा पहले से था तो ये हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया देखिए थ्री टाइम ए एंड सिक्स टाइम बी, थ्री टाइम ए एंड सिक्स टाइम बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से अपने को इसका ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये गिवन लैंग्वेज का ग्रामर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट अ सी एफ जी विच जनरेट स्ट्रिंग ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था तो आप प्रीवियस लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अपने को सी एफ जी बनाना है, इसका ग्रामर बनाना है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगा सबसे पहले, ठीक है, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस रखना है अपने को। तो मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी दैट शुड बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आप टू टाइम ले सकते हैं, फिर थ्री टाइम ले सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, बैलेंस पैरेंथेसिस बोला है, इट मींस कि ये इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। ये ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है वो स्ट्रिंग्स आ सकते हैं। अब इसके लिए अपने को ग्रामर लिखना है। ठीक है, तो ग्रामर लिखना है तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को सबसे पहले देखना है, बताया था मैं। ओके, तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, वन ओपनिंग एंड वन क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्रामर लिखता हूँ तो मैं एक सपोज ले सकता हूँ एस टेंस टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब जैसे कि इनसाइड द ब्रैकेट अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तो उसके लिए मैं फिर से एस ले लूँगा। ठीक है, तो उस एस के प्लेस पे अगेन मैं इसी को पुट करके एनी नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैं निकाल सकता हूँ। अब लेकिन इस एस के साइड पे, सपोज इसको हम एस कंसिडर करते हैं, इस एस के साइड पे अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है तो अपने को उसके लिए क्या लिखना होगा, एस के साइड पे अगेन एस लिखना होगा। तो एनी नंबर ऑफ एस हम साइड बाय साइड, ठीक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट क्रिएट कर पाएंगे। अगर अपने को सिंगल ओपनिंग एंड क्लोजिंग बनाना है तो ये उसके लिए हमने तो प्रोडक्शन लिखा हुआ है एस टेंस टू ओपनिंग एस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। लेकिन सिंगल बनाना है तो इस एस को अपने को क्या करना होगा, एप्सिलॉन बनाना होगा। ठीक है, तभी हम इसको सिंगल ब्रैकेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टू टाइम बनाना होगा इस तरीके से, तो ये यहाँ से बन जाएगा, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग एप्सिलॉन पुट कर देंगे। थ्री टाइम बनाना होगा तो अगेन हम फिर एक एस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनी नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे बना सकते हैं। अब चलिए जैसे कि मैं ये लास्ट वाले को आपको एज एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ क्या होगा इसमें। जैसे कि अपने को ये एस टेंस टू हम ले लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब इनसाइड द ब्रैकेट अपने को फिर से चाहिए एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो उसके लिए इस एस के प्लेस पे अपने को क्या पुट करना होगा, ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये पुट करना होगा। अब अपने को साइड में चाहिए, साइड में चाहिए तो अपने को कौन सा वाला प्रोडक्शन लेना था, ये यहाँ पे ये वाला प्रोडक्शन लेना था स्टार्टिंग में एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपके इस एस के प्लेस पे आप अगेन यहाँ पे क्या पुट कर पाओगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग और एस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एस के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं। तो हमको जो रिक्वायर्ड पैरेंथेसिस का जो कॉम्बिनेशन चाहिए था वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थ्री टाइम के मैं बात करूँ तो थ्री टाइम के लिए आप टू टाइम के ले लो, एस टेंस टू एस एस ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप पुट कर दीजिए और इस एस के प्लेस पे अगेन आप एस एस ले लीजिए।
ठीक है, थ्री टाइम लेना है अपने को। इस एस के प्लेस पे हमने ये एस टेंस टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला प्रोडक्शन यूज़ कर लिया, और सेकेंड एस के प्लेस पे हमने टू टाइम एस एस पुट कर दिया। अब इसके बाद ये इसको एप्सिलॉन पुट कर दो और इस पे अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला जो प्रोडक्शन है ये ले लो, ठीक है, और उसमें एप्सिलॉन पुट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम थ्री टाइम में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं उसको एज अ आउटपुट इस ग्रामर से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गिवन लैंग्वेज का जो सी एफ जी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्लियर है।